दिल्ली से फिर, और हम लोग महाराष्ट्र से, हाँ कहते हैं ना वही कहानी है, घर में मुर्गी दाल बराबर, महाराष्ट्र तक के लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आए पासा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं मामू के यहाँ जाएंगे, और उससे पहले जाएंगे चंपावती गार्डन, के पीछे मम्मी बैठी है, ये हाई कर देते देखे। हाय बेटा बेटा कहा, चल ठीक है, ये पापा और हम जा रहे हैं, यहाँ जा रही है मम्मी, बाय बाय कर दे। दोस्तों ये चंपावत की मार्केट है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार है। आप यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर है टी गार्डन, जो नीचे से जाना पड़ेगा हमें। ये आपको चंपावत से निकल रहे हैं तो आपको पुलिस लाइन से पहले से लेफ्ट टर्न करके सीधा निकलना है। ये अभी ऊपर की जो हम टी बागान की तरफ जा रहे हैं, ये चढ़ाई आ गई, देखो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, ये यहाँ पर पूरी चढ़ाई आ गई है, और आप हमारे साथ बने रहें। ये दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, आपको ये बोर्ड लगा इसका सीधा जाना है, यहाँ से थोड़ा ये डाउन लग जाता है, देख सकते हैं आप, ये पूरे देवदारों के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे, देखो कितनी अच्छी देवरानी बनी हुई है। दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी ये टी गार्डन यहाँ से शुरू हो गया, देखो ये नीचे से ये देख सकते हैं, ये रोड साइड से पूरी जालियाँ से कवर किया हुआ है पूरे टी गार्डन को, जिससे कि कोई जानवर ना घुस सके, या जो वर्कर हैं काम करने वाले वही जाएं। इसका जाने का रास्ता अलग से है, दिया होगा शायद, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, देखते हैं क्या है। टिकट घर इधर है, टिकट ले लेते हैं। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं चंपावत टी बागान, ये यहाँ का ये गेट है, हम गेट से अभी निकल रहे हैं, हमने टिकट ले लिया है, और टिकट दिखाओ, ये अभी 20 रुपये का टिकट है एक टिकट, ये आप देख सकते हैं, 2 टिकट 40 रुपये का, एक आदमी का 20 रुपये का टिकट है। ये दोस्तों टी बागान का जो है गेट आ गया है, आज संडे का दिन, देखो पब्लिक जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखो ये अभी पापा बढ़ रहे हैं आगे, हम भी पीछे पीछे से आगे, हमारे से पहले आज कई गए भी हैं, आज संडे का दिन है। ये सिंचाई करने के लिए पानी का फवारा है, इससे छिड़काव होता है इसमें गर्मियों में, जो कि इसको ठंडा करने के लिए बनाया जाता है, और तब ये पौधे रुकते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पानी रुकता नहीं है। एक सेकंड, ये फैला हुआ गार्डन, अभी तो हम गार्डन के सिर्फ एक किनारे में हैं, हाँ अभी ये देखो ये पूरा फैला हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं, सब अपनी पोज ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अगर चंपावत आए हो टी गार्डन में नहीं आए तो कुछ नहीं देखा, देखो ये आज संडे का दिन है, लोग खटीमा से ये जो है पानी के लिए लगा रखा है, देखो ये आप इसको ऐसे घुमाओगे तो पूरे पानी का छिड़काव हो जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन से चलेगा ये इस प्रकार। हम ये पहुंच रहे हैं, ये व्यू पॉइंट टी गार्डन का, ये भी लेटेस्ट बनाया हुआ है, पापा थोड़ा पहले पहुंच गए ये किनारे में, ये रहे ये, मैं थोड़ा अभी पीछे थोड़ा सीन कैप्चर कर रहा था। ये व्यू पॉइंट के नीचे ये वाटर टैंक भी है, ये देख सकते हैं पानी, ये है आपका व्यू पॉइंट, यहाँ से आप जो है चारों साइड का नज़ारा देख सकते हैं। आज वेदर थोड़ा कुछ साफ़ नहीं है, फिर भी है, साफ़ है बट उतना साफ़ नहीं है, और पहाड़ों में आजकल मौसम फिर भी एक टाइम हल्की बूंदाबांदा तो होती है, लेकिन मौसम अच्छा है पहाड़ों का। इसके सीध में ये है चंपावत, मैं जब आप जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो ये, वाह क्या कहना, यहाँ से देखिए चंपावत का नज़ारा, वाह ऊपर से हॉल लगना है बीच बीच में। मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ, और पापा भी पहली बार ही आए हैं टी गार्डन, लोकल के होने के बावजूद भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम देख पाएँ, जबकि कितने दूर दूर से आ रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से कहाँ से आए, दिल्ली से फिर, और हम लोग महाराष्ट्र हाँ, से हाँ कहते हैं ना वही कहानी है, घर में मुर्गी दाल बराबर, महाराष्ट्र तक के लोग हाँ, पहुंच रहे हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी आइए, ये जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, सबके 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 वीडियो बना दो, हाँ
वीडियो बना के ले जा रही हूँ। पावा भी पहले पावा कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या है बताओ आप। कोई महाराष्ट्र से है, कोई खटीमा से है, कोई दिल्ली से है, कोई गढ़वाल से है। देखिए यहाँ की वादियाँ देखिए, क्या आप भी आइए, आपका स्वागत है, वेलकम। आप लोग भी आइए, वेलकम। कैसा स्वर्ग जैसा लग रहा है, क्या इतना टी गार्डन, इतना बड़ा टी गार्डन है, लोग बाग जो है यहाँ का कितना सुकून मिल रहा है। और कितनी प्यारी हवा चल रही है, यहाँ आएगा तो वो यहाँ से वापस जाने को मन नहीं करेगा उसका। यहाँ पे जो एक बार आ गया ना दोबारा नहीं जाता। और कोई ऐसा एरिया भी नहीं है, कि शहर भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा महंगा वाला है। शहर भी सस्ता है, होटल भी सस्ते हैं, हर चीज़ उपलब्ध है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। इधर देखिए, उधर देखिए, यहाँ से सीन देखिए, सीनरी क्या है। तो इन चीज़ों के लिए आदमी कहाँ से आता है यहाँ। अभी ठंडा इतना हो रहा है, एसी की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने रहे और खाए पिए, सब हजम। देवदार के पेड़ हैं जिनसे बड़ी सुगंध भी आती है। दूसरा ये चंपावत, ये हाइट में है, उसकी पहली तरफ जो लोहागढ़ है देवदार के नीचे, ये है दोस्तों चंपावत। चंपावत से 6-7 किलोमीटर करीब है ये टी गार्डन। टी गार्डन यहाँ से 6-7 किलोमीटर पर आइए, ये काफ़ी हाइट पर है। बड़ा यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है, बड़ा ठंडा एरिया है, और यहाँ आकर के एंजॉय करिए। और जो है कि देखिए देवदार के पेड़ों को देखिए, यहाँ के चीड़ के पेड़ देखिए, ये पूरा एरिया जो है भरा हुआ है पेड़ों से। और दूसरा ये टी गार्डन का वो देखिए, बढ़िया सा नीचे को भी टी गार्डन ही है, सारा टी गार्डन ही टी गार्डन आ गया। वो रोड आया चंपावत से जो नीचे से हम लोग आते हैं, और ये देखो अब मौसम बदलने लग गया है यहाँ पहाड़ों में। मौसम रंग बदलता है और वहाँ पे बादल बदलते हैं। ये देखो यहाँ तो पहाड़ों में मौसम रंग बदलता है, प्लेन से में आदमी रंग बदलता है। हिसाब किताब ऐसा है यहाँ का। प्लेन लगा के आए जा रहे हैं घूमने वाले, यहाँ कोई कमी नहीं है। 20 रुपये का टिकट लीजिए और टी गार्डन में घूमिए। बड़ी यहाँ पर आकर के क्या मज़ेदार सीन है। ये पहाड़ियों के अंदर मकान देखे, वो फर्स्ट क्लास करके रह रहे हैं लोग बाग। ऐसा है ज़िंदगी इधर की, हमारी तो प्लेन से वालों की तो ज़िंदगी बेकार है, गर्मी में सड़ रहे हैं, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। एक आध महीना यहाँ रह के देखिए, होटल सस्ते, खाना सस्ता, सब कुछ सस्ता है इधर, कोई महंगा नहीं है। मार्केट के करीब में ये पॉइंट हैं, देखने वाले पॉइंट बने हुए हैं। तो जो ये रोड दिखाई दे रही है, ये अभी हम जो है चंपावत से रोड इधर आई, अभी चंपावत में ये टी गार्डन, बट ये चंपावत से जो है 6-7 किलोमीटर ऊपर है, ये हाइट में है, ये रोड दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, उंगली तो हाँ, ये वाला ये रोड है, ये वाली। और उसके बाद आपका यहाँ से आ गया ये, यहाँ पे भी ये आपका यानी व्यू पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट आगे है और एक व्यू पॉइंट में हम खड़े हुए हैं। अभी देखो आप यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम अभी ये चेंज होने लग गया है। और देखो ये अभी पहाड़ों के ऊपर से ना ये हॉली जा रही है, जैसा अपना हॉल जानना हो। ये देखो आप देख सकते हैं, अभी मौसम चेंज हो रहा है, कुछ अंधेरा जा सकता है, देखा होगा। और जो ये पार साइड है वो भी पूरा टी गार्डन है, ये वाला, ये वहाँ का आपको ये मकान दिख रहा होगा, ये मकान के नीचे पूरे टी गार्डन है सीधा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत बाहर बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे भाई साहब लोग आए हो महाराष्ट्र से, वो किनारे में अपना डिस्कस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये, हाँ अच्छा, आपका ये इसके चारों साइड, मतलब जो ये टी गार्डन है ये ऊपर बीच में है, इसका व्यू देखने के लिए, जो कि
पूरे 360 डिग्री तक मतलब मोमेंट अपना कर सके। दोस्तों हम अभी टी गार्डन से निकल गए, हमने आपको टी गार्डन का पूरा दिखा दिया एरिया, और अभी हम निकलते हैं लोहाघाट की तरफ। इससे पहले हम जाएंगे मामूलों के यहाँ, वहीं हमारा खाना आना होगा, खाना होगा, पीने के बारे में मैं नहीं कहूँगा, खाना होगा, और फिर हम मम्मी को वहाँ छोड़ के आए, फिर मम्मी को ले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे आपको कई जानकारियाँ मिलेंगी, और यहाँ के बारे में, उत्तराखंड के बारे में हम कई चीज़ें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, हाँ जी, ये चाय में फल भी लगा है। हाँ ये देखिए, हाँ ये दिखाओ, ये तो नई चीज है। हाँ इधर दिखाओ, ये फल कैसे आ गया। हाँ चाय ये, में हाँ ये ओके, अब इसको हम शोरूम में रख देंगे। हाँ फिर मिलते हैं आगे, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, ये है डाउन, अभी डाउन लग गए हम चंपावत की तरफ। ये देख सकते, ये देखिए आप, ये देखो, ये रोड है ऊपर जाने के लिए। ये रहा मामू का घर का जाने का रास्ता, ये सीढ़ियां से चलते हैं। आओ पापा, थक तो नहीं रहा पापा का एक्शन देखो भाई। ये रहा मामू लोगों का घर, कहाँ गए? अरे डॉगी भी भाई, काटेगा तो नहीं? कुत्ता है, काटेगा तो नहीं? पूछे, ये रे मामू, अरे ये मामी, अरे क्या कर रहे हो मामू? प्रणाम, अरे मैं आता गया। हाँ तब ठीक, सब बढ़िया, ये हो रहा है मिलन। दोस्तों अभी हम जो है मामू के यहाँ घर पे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, ये है नाशपाती का पेड़, देखो ये नाशपाती, ये पहाड़ की नाशपाती है दोस्तों, लेकिन इस बार थोड़ा फल कम आया हुआ है। और ये है चंपावत में, अभी बता चंपावत का इस प्रकार हो गया, देखो पैक हो गया अभी से, देखो ये पहाड़ों में क्या होता है कि मौसम रंग बदलता है, और लेकिन प्लेन्स में क्या होता है आदमी रंग बदलते हैं। ये है, ये मेरे मामू का मकान, ये वाला है, देखो ये देख सकते हैं, ये अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये रहा ये, लेकिन दूर से दिखाया जाएगा ढंग से, बट ऐसे ही है ये। दोस्तों अभी मैं हूँ चंपावत पे, अपने मामू लोगों के घर पे हूँ मैं, उनके छत से मैं जरा वीडियो बना रहा हूँ। ये है चंपावत, देखो ये, यहाँ से जो है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ के लिए रोड कटी हुई है, जहाँ जिसने यहाँ पे डीएम कार्यालय वगैरह, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, और ये इनके यहाँ पे मंदिर भी है, देखो यहाँ पे पहले कितनी दवा भी, देखो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद पता ही आपको। चल रहे हैं मामू के घर से निकल रहे हैं, मामी इधर दे दो, ये मामी लोग छोड़ने आ रहे हैं, मामू भी जा रहे हैं, अभी हम चलते हैं। ये पापा ने बैग ले लिया, अब हम चल रहे हैं, आशीर्वाद लेके चल देते हैं तो। अच्छा बैठो, अच्छा मामू क्या ठीक है? हाँ आऊंगा आऊंगा पक्का, ये गागा के नीचे गया, ये तो रुके ना रहा, यूँ ना रहा, उन टाइम जानता मैम, जल्दी पतना चलते रहो, चलो ठीक है। ये टाइम है, ये कर रहा, आप कब तक करनी है? अच्छा बैठो मामू, हाँ हाथ दिला दे, तुम देखो नहीं मैं आ जा, मैं माँ जी तुमने हिला सी हूँ, बाय बाय करता है, हाई सस्त करा, हाँ चलो ठीक है, ओके बाय। दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ लोहाघाट, हम सभी लोग आ गए हैं, शाम का समय हो गया है, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी यानी इतना लगे असर लग गया ना, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलना नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।